बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सब लोग? जाके मैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए चॉकलेट गुजिया की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए, ये सामान है जो हमें लगेगा। ये 2 कप मैदा लिया है, वज़न में ये हमारा 250 ग्राम है। ये 250 ग्राम हमने देखिए मावा लिया हुआ है। ये नारियल ग्रेटेड जो होता है, नारियल घिसा हुआ, वो हमने लिया है। ये चॉकलेट चिप्स हमने लिए हैं 2 टेबल स्पून। ये देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं। ये तेल लिया हुआ है, और ये शुगर 4 चम्मच ली हुई हमने, शुगर पाउडर। तो चलिए अब हम पहले डो तैयार कर लेते हैं। मैदे में हमने ऑयल डाल दिया है, मैदे में ऑयल डाल करके इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल को मैदे में। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हमारा मतलब आटा ज़्यादा होता है और हमें पता नहीं होता है कि हाँ इसमें कितना मोयन पड़ना चाहिए, तो आप इस तरह से देखिएगा आटे को बांध करके, अगर इस तरह से बंध रहा है तो समझ लीजिए आपका मोयन परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसे डो तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे गूंधेंगे, जैसे पूड़ी का आटा हम गूंदते हैं इस तरह से हमें इसे गूंध लेना है। चलिए देखिए आटा हमारा गूंध गया है। अब हम इसे कवर करके साइड में रख देंगे। चलिए अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये हमने पैन रखा है चूल्हे पर, और हमने 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। देखिए अब हम इसमें मावा डाल देंगे, और इसको 2-3 मिनट के लिए मावा को घी में भून लेंगे। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से डालिए। हमने काजू और बादाम लिए हुए हैं। वैसे तो उसमें किशमिश भी पड़ती है, लेकिन हम चॉकलेट गुजिया बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें किशमिश ऐड नहीं करेंगे। किशमिश की जगह हम इसमें चोको चिप्स ऐड करेंगे। ये देखिए हमने नारियल का बुरादा भी इसमें डाल दिया। अब इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम पाउडर शुगर ऐड कर देंगे। ये पाउडर शुगर डालकर मावे में मिला लेंगे अच्छे से, शुगर को मिल जाए, और गैस की फ्लेम बंद कर दे के इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम चोको चिप्स डाल देंगे। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं है तो आप कोई भी जो है डार्क चॉकलेट ले लीजिए, उसको ग्रेट कर लीजिए इस तरह से, और इसको मिला लीजिए। तो चलिए अब आटा हम देखते हैं। आटा आधा पौन घंटा रखा हुआ था, अब इसकी हम आटा हमारा परफेक्ट सेट हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोल गोल लोई बना लेंगे, इतनी देखिए साइज में, और पूरी की तरह हम इसे बेलेंगे। पूरी के साइज़ के हिसाब से बेलेंगे। आपके पास जो गुजिया बनाने वाला मोल्ड है, आप उस मोल्ड के साइज का जो है पूरी बेल लीजिए। जितना बड़ा आपका मोल्ड हो बनाने वाला, उसके साइज से आप गोल पूरी की तरह बेल लीजिए इसे। तो इस तरह हम बेल के रख लेंगे। ये देखिए हमने बेल लिए 4-5। अब चलिए हम इसमें, ये देखिए ये हमारा मोल्ड है, इसमें हम बनाएंगे गुजिया। इसको हमने इस पर रखा, इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। 2 चम्मच हम स्टफिंग डालेंगे इसमें। स्टफिंग हमें ना बहुत भर देनी इसमें, और ना बहुत कम रखनी है, मतलब बराबर से रखनी है कि ना कम रहे ना ज़्यादा रहे। अब इस तरह से इसको बंद करके प्रेस कर देंगे कस के, और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है उसको रिमूव कर देंगे। इसको कस के प्रेस कीजिएगा किनारे किनारे से दबा के। ये देखिए एक्स्ट्रा आटा इसका ये रिमूव कर देंगे।
अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं गुजिया तो इस तरह से बनाइए चॉकलेट गुजिया, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बच्चे बहुत खुश होंगे। वैसे तो चॉकलेट बड़े और बच्चों सभी को बहुत पसंद आती है, तो क्यों ना हम चॉकलेट गुजिया बनाएं और खाएं और खिलाएं सबको। ये देखिए इस तरह से हम इसे कस के प्रेस करेंगे और इस तरह प्रेस करके कस के इसका सारा एक्स्ट्रा जो आटा है उसको हम रिमूव कर देंगे। देखिए हमारी गुजिया कैसे परफेक्ट बन के तैयार हो रही है। यस, तो इस तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे। ये देखिए कढ़ाई में हमने ऑयल डाल के रखा हुआ था, ऑयल हमारा हीट हो चुका है। हमें फ्लेम बहुत हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम रखनी है, नहीं तो बहुत हाई फ्लेम में ये गुजिया हमारी जो जल्दी जो है फ्राई हो जाएंगी और कच्ची रह जाएंगी। इसे हमें मीडियम फ्लेम में, लो से मीडियम में इसे स्लो जो है हमें फ्राई करना है, जिससे हमारी गुजिया क्रिस्पी और क्रंची रहेंगी खस्ता जैसी। देखिए इस तरह से हमें गुजियों का कलर आ जाए तो हमें निकाल लेना है तेल से गोल्डन ब्राउन। चलिए हमारी गुजिया बनके रेडी हो गई है। हमने देखिए चॉकलेट से इसको ऊपर से जो है थोड़ा सा सजा भी दिया है चॉकलेट। अगर आपके पास भी चॉकलेट है तो इस तरह सजा दीजिए। चलती हूँ। अच्छा फिर मैं, अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर।